ज़्यादा जिसके जो भी दर्द हैं परेशानियाँ सब दूर करना और किरात साहब को किरात साहब की तमाम परेशानियाँ बीमारियाँ दूर करना। खान भाई के वालिद को जन्नत अल फिरदौस आला मकाम अता फरमा। निशान इकबाल साहब के वालिद को भी उनके दर्जात भी बुलंद फरमा और मोहसिन खालिद साहब के भी वालिद साहब को वालिद जमान साहब की को भी जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जिसकी जो जो परेशानियाँ हैं सब दूर फरमा, जिसकी तमाम नेक मुरादियाँ सब पूरी फरमा। या अल्लाह हम सब के तमाम दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। आमीन बि रहमतिक या अरहमर। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे ये सबील का जो होता है वो इंतज़ाम किया गया था और अब जो होता है वो पानी जो होता है वो दिया जा रहा है और ये खिदमत का काम अभी जारी है। तो जब देख रहे हैं लोग भी आना शुरू हो गए हैं। बेहतरीन किस्म की यहाँ पे ऐसे बिल लगाई हुई है। उसकी नंदिहा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जो नस्ल भी को मछली के पेट में भी पाले, जो सब करे गुलामी फिर बादशाह बना दे। जो नस्ल भी को मछली के पेट में भी पाले, जो सब करे गुलामी फिर बादशाह बना दे। फिर अल्लाह बहुत बड़ा है।
स्टार्टिंग सर अब तकरीबन इख्तिताम है, यानी थोड़ा सा ही रह गया है। काफ़ी टाइम से शाह जी लगातार ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पानी तकरीबन लगाई हुई है। शाह जी से पूछते हैं ये क्या खिदमत, और फिर इसी तरह जुआर का दिन है, गर्मी शदीद है, घर में बैठे हैं, कूलर शूलर के आगे बैठे हैं, किधर लोगों के आगे काम कर रहे हैं, शर्टिंग में पहनी हुई है, ये भी आप देखें नॉर्मल बंदा पहन के अगर सिविल लगाए ना उसको पता चल जाता है। क्या जज्बा और ये क्या चीज़ है शाह जी, क्या जज्बा शाह जी, और जो क्या चीज़ है कि इतनी गर्मी में इतवार का दिन है और आप इधर जी। अस्सलाम वालेकुम, असल में कल का अगर आपको कोई जज्बा पैदा हो तो मैं आपको पूरी दिन नहीं देखता, और आप ये देखते हैं कि देना है बारिश है, आप जो है ना आपके आप फिर बात करते जो है ना बताते नहीं हैं, और हर जगह जो है बुकिंग करते हैं, उस जगह वर्कआउट करते रहता है, और आराम करना वो ज़्यादा नहीं करेंगे काम करना देंगे। ये कुछ बातें ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने शाह जी से की खिदमत में अर्ज़ किए, और उन्होंने इसके जवाब भी दिए। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह शाह जी के साथ ऐसे और एक्टिविटीज़ में शाह जी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।